हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी और ये गेम थी मिखाइल टाल और एलेक्जेंडर कोबलेंट्स के बीच जो खेली गई थी 1957 में। मिखाइल ने यहाँ वाइट पीसीज के साथ शुरुआत करते हुए खेला e4, c5, सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, d6, d4, c takes d4, knight takes d4। गेम ओपन सिसिलियन की तरफ चली गई। नाइट f6, नाइट c3, नाइट c6, बिशप g5, e6 और यहाँ तक की गेम नॉर्मल रूटीन गेम है। क्वीन d2, बिशप e7 और दोनों ने ओपोजिट साइड कैसल कर लिया। नाइट b3, क्वीन b6, f3, a6। अब ये गेम इस सिचुएशन पर आ पहुँची है कि दोनों अपने अपने पॉन्स को अटैक पर लगाएं। ब्लैक की प्लानिंग क्वीन को हटा करके इस बी पॉन को आगे बढ़ने की है और इसी तरह वाइट इस जी पॉन को आगे ले जाना चाहता है, तो इसलिए वाइट ने किया g4, रुक d8 और रुक को क्वीन की लाइन में प्लेस किया। बिशप e3 और यहाँ एक टेम्पो के साथ क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन हटाई क्वीन c7 और h4 ताकि इस जी पॉन को एक कदम और आगे बढ़ा सके। b5, g5, क्योंकि वाइट का मूव पहला था तो वाइट को ऑप्शंस पहले मिलेंगे। नाइट d7, यहाँ मिखाइल ने ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हुए किया g6 और अपना एक पॉन सेक्रीफाइस कर दिया ताकि ब्लैक का किला टूट जाए। h takes g6, h5 और अपना दूसरा पॉन आगे बढ़ा दिया। g takes h5, rook takes h5। ब्लैक अपना नाइट वापस लाया। नाइट f6, rook h1। इस सारे प्रोसेस में वाइट ने अपना एक पॉन गवा दिया लेकिन उसे h5 पूरी ओपन मिल गई। अब सिर्फ वाइट को h5 पर अपनी बैटरी प्रिपेयर करनी है। नॉर्मली होता यह है कि बैटरी को रुक लीड करता है, लेकिन शायद मिखाइल की प्लानिंग h2 पॉन पर आकर क्वीन से बैटरी को लीड करवाने की है ताकि वो h8 स्क्वायर पर चेकमेट कर सके। इसका बेस्ट डिफेंस कि क्वीन को h2 स्क्वायर पर टारगेट कराया जाए। तो ब्लैक ने किया d5। यहाँ मिखाइल कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव खेल रहे थे। उसने किया e5 और अपना तीसरा पॉन सेक्रीफाइस कर दिया और उसकी किंग साइड पर सिर्फ अब एक ही पॉन है। ब्लैक ने किया knight takes e5। यहाँ अगर ब्लैक थोड़ा भी ओवरलुक कर जाता और वो गलती कर देता इस पॉन को क्वीन से लेने की, जैसे कि अगर उसने किया होता queen takes e5, तो बिशप f4, queen f5, bishop d3 और क्वीन यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन ब्लैक ने किया था knight takes e5, bishop f4 और e5 नाइट को यहाँ मिखाइल ने पिन कर दिया। अगले ही मूव में ब्लैक ने पिन तोड़ दी bishop d6 करके। queen h2 और queen h8 की चेकमेट की थ्रेट। यहाँ ब्लैक के पास कुछ टैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ एक मूव काफ़ी अच्छा बनता है अगर यहाँ ब्लैक करे knight d3 चेक। अगर यहाँ वाइट गलती कर दे c takes d3, तो b takes f4 चेक क्वीन पर टारगेट। लेकिन अगर यहाँ इस चेक के बाद वाइट अपने किंग को बी फाइल पर ले जाए तो उसके बाद ब्लैक के सामने चेकमेट की थ्रेट अभी भी खड़ी है। तो यही सब देखते हुए यहाँ ब्लैक ने किया था king f8, queen h8 चेक, knight g8। यहाँ ब्लैक के लिए ज़्यादा सूटेबल पोजीशन थी कि उसे अपने किंग को e7 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था। अगर वाइट यहाँ करता queen takes g7 तो rook g8 क्वीन के ऊपर अटैक होता, queen h6 और फिर वही knight d3 की चेक और पहले वाली टैक्टिक दोबारा लग जाती। लेकिन यहाँ knight g8। मिखाइल का अगला मूव काफ़ी अटपटा था। मिखाइल ने किया rook h7, जी पॉन पर एक अटैक बनाया। यहाँ ब्लैक ने किया f5 ताकि क्वीन इस जी पॉन को प्रोटेक्ट कर सके। अभी इस जी पॉन पर ब्लैक के दो डिफेंस हैं और वाइट के दो अटैक हैं। मिखाइल यहाँ बड़ी ही खूबसूरती से तीसरा अटैक और कर देता है bishop h6 और इस जी पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठाता है। ब्लैक भी अपना तीसरा जोर इस जी पॉन के डिफेंस में लगाता है rook d7 करके। अब मिखाइल यहाँ इस जी पॉन पर चौथा अटैक कैसे बनाए,
उसके लिए सबसे इजी है कि किसी तरह इस रुक को जी फाइल पर ले आए, जिससे कि इस जी पॉन पर और प्रेशर डाला जा सके। तो यहाँ मिखाइल ने बहुत सोच समझ कर किया बिशप टेक्स बी फाइव। ये इतना टेक्टिकल मूव है कि अगर यहाँ ब्लैक ने थोड़ी भी गड़बड़ की तो बहुत जल्दी ब्लैक को अपनी गेम समेटनी पड़ेगी। अगर यहाँ ब्लैक ने किया होता सिंपल, जैसा कि मूव में दिख रहा है, ए टेक्स बी फाइव, तो अगला मूव नाइट टेक्स बी फाइव और उसके बाद क्वीन और बिशप पर अटैक, और यहाँ बिशप लेने के बाद जी पॉन पर ब्लैक के एक डिफेंस को वाइट इजीली डिफ्लेक्ट कर देगा और रुक यहाँ जी1 पर आने को तैयार बैठा है। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर इस पोजीशन से ब्लैक ने किया होता नाइट जी सिक्स, और ये देखिए कि वाइट की क्वीन कहीं हिल भी नहीं सकती। मिखाइल ने इतनी टाइट गेम खेली थी कि मिखाइल के पीसेस ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ब्लैक प्रेशर के अंदर था। तो इसके बाद वाइट के पास ऑप्शंस जो हैं, थोड़ा एक नज़र उन पर डालते हैं। वाइट कर सकता था यहाँ पर नाइट डी फोर कि ठीक है आप मेरी क्वीन लीजिए, मैं नाइट टेक्स ई सिक्स करके मैं एक रॉयल फॉक लगा और आप मेरी क्वीन लीजिए, मैं आपकी क्वीन लेता हूँ। यहाँ इसका डिफेंस ब्लैक क्या करता, ब्लैक अगर करता नाइट ई सेवन तो बिशप टेक्स जी सेवन चेक, रूक टेक्स जी सेवन, बिशप डी सेवन और यहाँ क्वीन और रुक के बीच का कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया। इस सिचुएशन के बाद भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अगर यहाँ किया होता रुक टेक्स डी सेवन तो फिर दोबारा वही नाइट की फॉक और क्वीन लॉस्ट, और अगर यहाँ किया होता क्वीन टेक्स डी सेवन तो फिर दोबारा नाइट टेक्स ई सिक्स चेक और ब्लैक के लिए गेम यहीं ख़त्म हो जाती। अब तीसरी पॉसिबिलिटी एक और जो हो सकती है वो देखते हैं। अगर यहाँ ब्लैक ने किया होता बिशप टेक्स डी सेवन तो सिंपल क्वीन टेक्स जी सेवन चेक। आइए देखते हैं गेम में क्या हुआ। हमने अभी डिटेल वेरिएशंस देखी बिशप टेक्स बी फाइव की। यहाँ ब्लैक ने किया था रुक एफ सेवन, वाइट ने अपनी स्ट्रेटजी पर यहाँ जी पॉन पर चौथा जोर लगाया रुक जी वन करके, ब्लैक ने किया रुक ए सेवन और सारी गेम इस समय इस जी पॉन के इर्द गिर्द टिकी हुई है। आप वाइट के सारे पीसीज को देखिए कि वो मूव भी नहीं कर सकते। क्वीन एक कोने में फंसी हुई है, वो कहीं नहीं निकल सकती। रुक भी उसके साथ में फंसा हुआ है, उसके पास जाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है और वाइट के दोनों बिशप थ्रेट पर हैं, पॉन के ऊपर रखे हुए हैं। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में मिखाइल ने अपना ही मूव चला नाइट डी फोर, नाइट जी फोर। ब्लैक ने कम से कम एक जोर को तो बंद किया, एफ टेक्स जी फोर, अपना नाइट सेक्रीफाइस कर दिया, बिशप ई फाइव, नाइट सी सिक्स, बिशप टेक्स सी थ्री, बिशप ई थ्री, डी फोर, रुक एच वन, और यहाँ वाइट की स्ट्रेटजी एक फोर्स मेट करने की है, इस क्वीन से इस नाइट को लेकर के रुक एच एट और चेक मेट कर दे। अगर यहाँ ब्लैक ने किया डी टेक्स ई थ्री तो क्वीन टेक्स जी एट चेक, किंग टेक्स जी एट, रुक एच एट चेक एंड मेट। तो इसलिए इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था रुक डी सेवन, बिशप जी फाइव। यहाँ एक कंडीशन और बन सकती थी अगर वाइट चाहता तो। इस पोजीशन से अगर वाइट ने किया होता जी टेक्स एफ फाइव, ई टेक्स एफ फाइव, क्वीन टेक्स जी एट चेक, किंग टेक्स जी एट, बिशप सी फोर चेक, किंग एफ एट, रुक एच एट चेक एंड मेट, यहाँ वाइट के पास बहुत चेक मेटिंग पॉसिबिलिटीज़ थी। कुछ मूव पहले इसी वेरिएशन में एक और सिचुएशन बन सकती थी, उसे देखते हैं। यहाँ इस पोजीशन में अगर ब्लैक ने किया होता डी टेक्स ई थ्री तो सिंपल एफ टेक्स ई सिक्स और वही सब सीक्वेंस गेम का दोबारा शुरू हो जाता, लेकिन गेम कुछ इस तरह से आगे बढ़ी। यहाँ वाइट ने किया था बिशप जी फाइव, ए टेक्स बी फाइव, रुक एच सिक्स। यहाँ अब जो सिचुएशन गेम की बन चुकी है, अब एक ही कंडीशन ब्लैक को बचा सकती है कि किसी तरह से वो परपेचुअल चेक्स दे सके। उसके लिए अगर वो करता यहाँ क्वीन टेक्स सी सिक्स, रुक एफ सिक्स चेक, जी टेक्स एफ सिक्स, बिशप एच सिक्स चेक, रुक जी सेवन, बिशप टेक्स जी सेवन चेक, किंग एफ एट, बिशप टेक्स एफ सिक्स चेक, किंग डी सिक्स, बिशप ई फाइव चेक, किंग डी फाइव, रुक टेक्स ए सेवन। अब ब्लैक के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ करे बिशप टेक्स बी टू चेक, किंग बी वन, क्वीन सी थ्री और इसके बाद ई वन और बी फोर स्क्वायर से रिपीटेड चेक देकर गेम को यहाँ ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकता था। खैर
गेम बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं गेम में क्या हुआ। यहाँ इस पोजीशन में ब्लैक ने किया d3, वाइट ने इसे नज़रअंदाज करते हुए किया a takes c3, d2 चेक, king d1, queen takes c6। वाइट ने अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा शुरू किया, उसने किया rook f6 चेक, rook f7, और यहाँ ये रुक पिन है। उसके बाद मिखाइल ने किया queen takes g7 चेक, और इसके बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये मिखाइल ही हैं जो इतनी डिफ़िकल्ट गेम खेलते हैं। उन्होंने अपने लगभग सारे पीसेज एक कोने में फंसा रखे थे, लेकिन वाइट को उन्होंने इस तरह से फंसा रखा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सो होपफुली गाइज, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।